हेलो एवरीवन, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ कीमे के समोसे। ये एक स्ट्रीट फूड है जो यूपी में मिलता है। चलिए इसके लिए सामग्री सुन लीजिए फ्रेंड्स। मैंने लिया है गेहूँ का आटा एक बाउल, मीडियम साइज की प्याज जिसे रफली चॉप किया हुआ है एक स्पून लिया है मैंने, मीट मसाला बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची। यहाँ मैंने तीन चीज़ ली हैं स्पून में, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक चुटकी है नमक, बीच में फूड कलर है, आधी चुटकी से भी कम ऑप्शनल है, और एक चुटकी लिया है मैंने बेकिंग सोडा। और कीमा, कीमा लिया है मैंने मटन का, इसको मैंने नमक और पानी के साथ बॉईल कर लिया है। ये फुल कुक नहीं है, आप देख सकते हैं ये बॉईल हुआ हुआ है। आप लगभग आधा 15-20 मिनट के लिए ढककर नमक के साथ बॉईल कर ले। अब सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं कीमे के समोसे के लिए। ये तीनों चीज़ें हैं, नमक, सोडा और फूड कलर, ये आटे में ऐड करेंगे। नमक आटे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रहा है क्योंकि हमने कीमे में जब बॉईल किया था तब उसमें भी डाला था थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हल्का टाइट आटा तैयार कर लेंगे। देखिए आटा तैयार हो गया है, मैं दिखा दूँ, बहुत ही पतला आटा नहीं है, थोड़ा सख्त रखा हुआ है आटा, हल्का सा, ये नहीं कि बहुत टाइट बोल ले, बस स्मूथ सा आटा तैयार कर लेना है। इस पर हल्का सा ऑयल लगा दें। ज़रा सा ऑयल लगाकर इसे गीले कपड़े से ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक आटा सेट हो हमारा, हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, हाई फ्लेम पे गैस ऑन कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, लगभग 1.5 स्पून ऑयल लिया है मैंने। सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज, मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप थोड़ी रेड मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं तो हरी मिर्ची की मात्रा भी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब प्याज हल्की सी हो जाए, ये नहीं कि बहुत गोल्डन करनी है या ब्राउन करनी है, तब उसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड कीमा। फ्लेम मीडियम कर दें। अब ऐड कर लें हरी मिर्ची, ऐसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए हल्का हल्का फ्राई कर लें। सबसे ऐड लास्ट में ऐड करेंगे हम जो मसाला है, देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं इसे चला के मीडियम आंच पे फ्राई करते हुए। अब ऐड करेंगे मसाला, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कीमा बॉइल्ड था, बहुत ज़्यादा बॉइल कीमा यूज़ नहीं करना कि आप प्रॉपर पूरा बॉइल करके यूज करें। मसाला भी अच्छे से मिल गया है, आप गैस ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिलिंग्स भी ठंडी हो गई है, आटे को रखे हुए भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं, 15 से 20 भी हो सकते हैं। देखिए वो थोड़ा सा सोडे की वजह से स्प्रेड हो गया है। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई,
ये देखिए इसमें बड़ी बड़ी हरी मिर्ची जो मैंने जब इसे ढककर रखा था तब रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि जो ये मार्केट से मिलते हैं इनमें बहुत ज़्यादा हरी मिर्ची होती है, हरी मिर्ची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे घर में हरी मिर्ची नहीं खाई जाती इसलिए मैं सिर्फ खुशबू के लिए साबुत मिर्ची डाली है। अब उन्हें मैं साइड में कर दूँगी, खुशबू भी आ गई और तीखा भी नहीं होगा, मार्केट का बहुत तीखा होता है कीमे का समोसा। अब हमें आटे की छोटी छोटी लोइयां बनानी है, हल्का सा ऑयल लगाकर हाथ पर, आप चाहें तो आटा लगाकर बना सकते हैं। इस साइज की लोइयां तैयार कर ली हैं। अब इसे मैं बनाने का तरीका दिखा देती हूँ फ्रेंड्स आपको। एक कोई भी कॉटन का कपड़ा लें और उसे बहुत अच्छे से गीला कर लें और इसको स्क्वीज भी नहीं करें, उसे ऐसे किसी प्लेट बेलन सॉरी चकले पर जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर रखकर हाथ से जो हमने लोइयाँ बनाई हैं उन्हें थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। कपड़ा अच्छा गीला होना चाहिए और ये जो हम स्प्रेड कर रहे हैं लोई को ये बहुत पतला नहीं करेंगे। अब इसमें फिलिंग्स डालेंगे, थोड़ी फिलिंग भर देंगे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, जितना बड़ा आपने लोई ली है उसी हिसाब से भरें। मैं छोटे बना रही हूँ, मार्केट के बहुत बड़े होते हैं वैसे ये और तीखे भी। बहुत धीरे हाथ से ऐसे एजिस को अच्छे से कवर करें। अब इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑयल पहले ही तेज गर्म किया हुआ है, आपको दिखा दूं। हाई फ्लेम पर अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन करना है इसे। अगर हम गीला कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे और बेलन से बेलेंगे तो ये फट जाएंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सोडा मिला हुआ है आटे में और सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी, अच्छे नहीं बेलेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं, छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फूल भी गया है देखो थोड़ा सा। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से गोल्डन हो गया है। अब इसे थोड़ी देर कढ़ाई के किनारे पर रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल सब नीचे कढ़ाई में ही चला जाए, चाहे तो आप उसके लिए किसी छड़ने का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सभी तल लेंगे। देखें हाथ से किस तरह स्प्रेड कर रही हूँ मैं, कपड़ा बहुत अच्छा गीला है। इन्हें बनाते हुए जिन चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक ये कि जो हम जब इन्हें बनाए तो कपड़ा कॉटन का प्लेन वाला यूज़ करें और वो बहुत अच्छे से गीला हो। दूसरी बात, जितना आप आटे को रखेंगे, मैंने लगभग 15-20 मिनट रखा है, आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो आपके समोसे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनेंगे, इसलिए आटे को अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट एकदम जूसी। देखिए धीरे हाथ से, देखिए जैसे इसमें यहाँ पर एजिस खुली रह गई हैं तो आप इसे धीरे से दोबारा से ऐसे करके बंद कर दें। अगर एजिस खुली रह जाएंगी तो जो हमारी फिलिंग है कीमे की वो तेल में डालते ही बाहर निकल जाएगी, इसलिए एजिस का ध्यान रखें बनाते हुए, अच्छे से बंद करें फिर फ्राई करें।
तैयार हो गए हैं कीमे के समोसे जो कि आटे से बने हैं और एक स्ट्रीट फूड है। देखिए कितने सॉफ्ट हाथ से दब रहे हैं, ये तो अभी गर्म भी हो रहा है। इनका मैं कट कर कर दिखा देती हूँ। जितनी ज़्यादा आप फिलिंग भरेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा सिर्फ तीन बातों को बनाते हुए इसमें ध्यान रखना है। तो जब आप आटा इसका तैयार करके रखें तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रेस्ट दें ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो सके सोडे के साथ। दूसरी बात, जब आप इसे बेलें तो बेलन का यूज़ ना करें, गीले कपड़े का यूज़ करें। वो गीला कपड़ा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कॉटन का और अच्छा गीला हो, बाकी तो नॉर्मल है। तलना भरना है और तलना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।